सबसे ज़्यादा 5 बंदे होंगे जिन्होंने शेयर किया होगा उनको हम 1 साल तक फ्री मोमोज देंगे, पक्का देंगे। मैम हमारे यहाँ तंदूरी, अफगानी, चिल्ली ग्रेवी, स्टीम फ्राइड, कुरकुरे, पेरी पेरी, तूफ़ानी, बुलेट और भी काफ़ी हैं। हमने सिंपल बेचे स्टीम वाले जो मोमोज चलते हैं जो, उसके बाद हम इम्प्रोवाइजेशन करते गए और फिर हम 50, पहले 20 किए, फिर 40 किए, अब 50 से ज़्यादा कर दिए, अब जल्दी 100 से ज़्यादा भी होने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये जगह उन सभी लोगों को बेहद पसंद आएगी जिन्हें खाने पीने का शौक़ है। जी हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ मोमोपुर। ये कोई गांव नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 50 से ज़्यादा मोमोज मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन से मोमोज मिलते हैं। मैम हमारे यहाँ तंदूरी, अफगानी, चिल्ली ग्रेवी, स्टीम फ्राइड, कुरकुरे, पेरी पेरी, तूफ़ानी, बुलेट और भी काफ़ी हैं जी। और सबसे ज़्यादा आपके कौन से फेवरेट हैं जो लगता है कि जो भी आए और वो टेस्ट ज़रूर करे? जो हम ये चाहते हैं, हम मैम स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कस्टमर से कि उनको प्रेफरेंस पूछते हैं कि कौन से चाहिए, स्पाइसी चाहिए, मीडियम स्पाइसी चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए, तो उस हिसाब से रेकमेंड कर देते हैं। वैसे तंदूरी, अफगानी, कुरकुरे, तूफ़ानी चार हमारे बेस्ट सेलर हैं जी, सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ये बताइए कि आपके जो मोमोज हैं वो दूसरे मोमोज से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट में हर दूसरा जो स्टॉल है वो मोमोज का लगा हुआ है, फिर मोमोपुर के जो मोमोज हैं वो कैसे खास हैं? मैम एक्चुअली ये सारी प्रेपरेशन मेरी खुद की हैं। अच्छा। और ये थोड़ा इंडियन टेस्ट के सेंट्रिक है ये सारी प्रेपरेशन। तो इसमें क्या है कि थोड़ा इंडियन मसालों का हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ के साथ साथ, तो उससे क्या होता है कि जो आपके पेरेंट्स भी आते हैं ना यंगस्टर, तो उनको तो पसंद आएगा, जो आपके एल्डर्स आएंगे ना, पेरेंट्स आएंगे, उनको और भी ज़्यादा पसंद आएगा जी, 200% जी। अच्छा सर ये बताइए कि हमें पता चला है कि आप भी फार्मेसी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मेडिकल लाइन से एक फूड फैक्ट्री में आ जाना, तो ये कैसे हुआ? मैम ये पॉसिबल हुआ एक्चुअली, पता क्या, अपने ना सपने बड़े बड़े हैं, तो अभी अपन तो यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हमने और भी लोगों को इंस्पायर करना है। तो क्या, जब हमने शुरू करना था ना कुछ, तो मेरे को ये था कि कोई स्टार्टअप कोई नया शुरू करें, तो उसमें था कि मेरे पास कैपिटल कम होने के कारण ना, मैंने फिर जितना लोएस्ट हो सका मैं उससे मेरा फूड का ये खुल रहा था, तो मैंने ये खोला। तो पहले हमने सिंपल बेचे स्टीम वाले जो मोमोज चलते हैं जो, उसके बाद हम इम्प्रोवाइजेशन करते गए और फिर हम 50, पहले 20 किए, फिर 40 किए, अब 50 से ज़्यादा कर दिए, अब जल्दी 100 से ज़्यादा भी होने वाले हैं जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताइए कि जब आपने सोचा कि मैंने बी फार्मेसी कर ली है, तो अक्सर ही बंदा ये सोचता है कि चलो जॉब करते हैं, तो आपने सीधा ये सोचा कि चलो मोमोज बनाते हैं, या पहले जॉब की उसके बाद इस लाइन में आए? मैम पहले मैंने जॉब किया, पहले 1.5 साल की जॉब एक्चुअली, फिर ना उससे वो रेगुलर, वो डेली वही जाना वही आना, मतलब वो थोड़ा बोरिंग सा माहौल हो चुका, तो वैसे भी चाहते थे कि कुछ अपना करें ना, तो इसलिए मैंने पहले 1.5 साल जॉब की, उसके बाद फिर मैंने छोड़ के अपना शुरू किया। तो जॉब छोड़कर जब आप इस काम में आए, तो पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया? क्योंकि अक्सर ही जॉब या वर्किंग क्लास को बहुत अच्छा माना जाता है कि वाह जॉब कर रहा है, अगर हम कहें कि हम अपना काम कर रहे हैं और ख़ास करके हम फूड आइटम सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आपको कैसा रिएक्शन मिला? मैम एक्चुअली मेरे बाकी तो छोड़ो, मेरे घर वाले ही मेरे अगेंस्ट थे। अच्छा। वो बोल रहे थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया शुरू में, बिल्कुल भी नहीं किया, वो बोल रहे कि क्या तू करना चाहता है, तो मेरी खुद अपनी मैंने सेविंग से जो भी किया अपनी सेविंग से किया, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। तो अगर मैं उन पर डिपेंड होता तो मैं कभी भी ना पहुँच पाता यहाँ तक। तो उन्होंने शुरू शुरू में बड़ा किया, माँ तो पता माँ होती है ना, वो बोलती क्या यार तुम लोग क्या करने वाले हो ना, क्या कर रहा है तू, मतलब अच्छी तरी जॉब चल रही है, सिक्योर जॉब चल रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को 1 साल दो, उसके बाद फिर आप मेरे को बताना, अगर सही रहे तो फिर मैं कर लूँगा दोबारा से ज्वाइन। तो फिर उसके बाद भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। तो अभी आपके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर मोमोज खाने के लिए? मेरे पेरेंट्स खाते हैं मेरे मोमोज। सर एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की, वो सेविंग की, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हमने कोई भी अपना नया वेंचर शुरू करना हो, या अपना कोई सपना पूरा करना हो, या वो अपने पैशन को फॉलो करना हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद पहले सेविंग करें और फिर उससे अपने सपने को पूरा करें, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स से मांगते रहेंगे तो आखिर कब तक वो
देते रहेंगे। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने जॉब की, आपने सेविंग की, सेविंग करने के बाद आपने अपने इस ख्वाब को पूरा किया। तो सर आने वाले समय में क्या सोचते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मोमोपुर कहाँ जाएगा? मोमोपुर मैम बहुत दूर तक जाएगा, इंटरनेशनल तक लेके जाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे अपनी, भगवान करेगा पूरा भी होगा, क्योंकि मेहनत बड़ी कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि हमने फ्रेंचाइजीज देनी है और पंजाब में पहले देनी है, उसके बाद बाकी बात हम स्केल अप करेंगे। सर अभी हम देख रहे थे कि आपने एक खास तरह की चटनी का यूज़ किया था मोमोज में, तो वो कौन से मोमोज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम एक्चुअली वो ना क्रीमी ग्रेवी का बेस होता है, वो तूफानी मोमोज होते हैं जी। बाकी उसी में अफगानी मोमोज भी आते हैं, वो उनके मसाले हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। दो तीन प्रेपरेशन ऐसी हैं उनमें, अमूल क्रीम है ना जो वो बेस वो होता है जी। हाँ जी। तो बाकी दोस्तों जो चाइनीज पसंद करते हैं और जो चाइनीज के साथ पंजाबी तड़का पसंद करते हैं उनको ये मोमोज बहुत अच्छे लगेंगे, उनको ये मोमोपुर जो जगह है वो बहुत ही पसंद आएगी। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो भी मेरा भाई आना चाहता है हमारे पास, गूगल मैप्स पे लोकेशन सर्च करके मोमोपुर अगर आप सर्च करोगे MOMOPUR तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी किसी को नहीं मिल रहा तो 7884516211 पे आप कॉल करके हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है वो ज़रूर लाइक फॉलो कर लें, क्योंकि अभी हम जो अपने आगे वाले अपडेट्स हैं वो उसी पर डाला करेंगे। अभी फिलहाल कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है मगर आने वाले टाइम में हम उसी पर डाला करेंगे सब कुछ जो भी ऑफर होंगे। बाकी जो भी मेरा भाई बंधु ये वीडियो देख के शेयर करके आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएगा, जो सबसे ज़्यादा 5 बंदे होंगे जिन्होंने शेयर किया होगा उनको हम 1 साल तक फ्री मोमोज देंगे, पक्का देंगे। ये एक ऑफर भी मिल गया। तो वाकई दोस्तों बहुत अच्छा लगा और अभी हम इनके मोमोज ट्राई भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके मोमोज हमें कैसे लगे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों ये हैं पेरी पेरी मोमोज, जैसे कि देखने में ये बहुत डिलीशियस लग रहे हैं और अब हम ट्राई करते हैं कि ये खाने में कैसे हैं। वाकई है दोस्तों ये बहुत टेस्टी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक है, क्रीमी है, चीज़ी है और इसके अंदर आप फिलिंग भी देख सकते हो पूरी चीज़ की हुई है। ये मोमोज वाकई में टेस्टी हैं, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है। तो दोस्तों किसी और वीडियो में आपको कहीं और लेकर चलेंगे, लेकिन आप मोमोपुर आना मत भूलिए। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।